हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा वजह तुम हो के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। कहीं ना कहीं फर्स्ट वीकेंड इस फिल्म ने पार कर लिए है और इसके बाद जो इसका कलेक्शंस है वो अब सामने आ चुका है। सना खान, रजनीश दुग्गल, गुरमीत चौधरी और शर्मन जोशी स्टार मूवी ने कुछ ज्यादा अच्छा खासा कमाल नहीं किया है, लेकिन उतना भी बुरा कमाल नहीं किया है। अगर इसके बजट पे हम ध्यान दें तो हर जगह इसके बजट का अलग अलग मतलब सामने आ रहा है। कहीं किसी लोगों ने जो कहा है कि यार इसका सिर्फ 13 करोड़ में फिल्म बनी, कुछ लोगों ने कहा है कि यार 20 करोड़ में बनी है, लेकिन जो प्रॉपर ज्यादातर जो आंकड़े कह रहे हैं या कहा जा रहा है कि 25 करोड़ में फिल्म बनी है। मैंने भी आपको इसलिए वही आंकड़ा बताया था। सर कलेक्शन के बारे में बात कर लेते। पहले दिन इस फिल्म ने 2.86 करोड़ का कलेक्शन किया था, लगभग लगभग पौने 3 करोड़ समझ लीजिए। दूसरे दिन इस फिल्म ने कमाई की थी 2.68 करोड़। अब जो तीसरे दिन का आंकड़ा आ रहा है वो लगभग लगभग 2 करोड़ के आसपास का आ रहा है, तो लगभग 2 करोड़ पकड़ के चलिए प्रॉपर जो आंकड़ा मैं बता 2 करोड़ मेंशन है। तो उसके बाद जो फिल्म का कलेक्शन अभी तक हुआ है उस हिसाब से देखा जाए तो 6.25 करोड़ कलेक्शन हुआ है, यानी कि बहुत ही धीमा कलेक्शन कहा जाएगा। लेकिन अगर ये फिल्म दूसरे हफ्ते तक चलेगी तो कहीं ना कहीं अपना मुझे ऐसा लग रहा है कि यार नहीं, फिर भी आई थिंक बजट तो रिकवर नहीं कर पाएगी। 15 से 20 करोड़ तक शायद जा सकती है, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है इस फिल्म के लिए। ये सिर्फ 4 दिन ही है, ये 4 दिनों में अगर ये फिल्म कमाल कर देती है, हफ्ते मतलब खत्म होती है तो अच्छी बात है, वरना सेकेंड हफ्ते में इसे रोना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि दंगल रिलीज हो रही है और बेफिक्र ने तो ऑलरेडी इस फिल्म की कमर तोड़ दी है वजह तुम हो की। तो सेकेंड वीक में आपको पता है क्या हर्ष हो सकता है वजह तुम हो का। वजह तुम हो को देखने की कोई वजह नहीं रही शायद ऑडियंस के पास, इसलिए लोग इस फिल्म से कन्नी खींचे यानी कि दूर जा रहे हैं। तो जिस तरह से इस फिल्म के कलेक्शन सामने आएंगे वो तो आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल तब तक के लिए चलिए, बाय बाय।